गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक जो चल रहा था, जो चल रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर मैंने बता दिया था आपको डेफिनेशन के बारे में, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, उसकी इटियोलॉजी, उसके टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्लिकेशन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मोस्टली अपना जो टॉपिक था इसके अंदर जो कवर हो गया है, जो लास्ट टॉपिक अपना बचा है इसके अंदर, वो बचा है मैनेजमेंट, बचा है कि प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, कि रिकवर किस तरीके से करोगे, प्रिवेंशन किस तरीके से करोगे, या बोल सकते हैं कि इस इमरजेंसी केस के अंदर मान लो कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए, ब्लीडिंग हो रखी हो आफ्टर द 37 वीक के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको इसके अंदर बताएंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर यही है कि आप क्या प्रिवेंशन करोगे, क्या मैनेजमेंट करोगे, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके अंदर अपन, ठीक है, तो देखते हैं। तो प्रिवेंशन की बात करेंगे अपन, प्रिवेंशन क्या क्या प्रिवेंशन रखनी चाहिए अपन को, क्या क्या नहीं रखनी चाहिए अपन को। मान लो सब प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट है, अपन को इटियोलॉजी ना पता हो, तो कौन कौन से प्रिवेंशन रखने चाहिए अपन देखते हैं इसके अंदर। तो ये लिखा हुआ है, फर्स्टली देखिए आप, प्लेसेंटा प्रीविया इज़ नॉट यूजली प्रिवेंटेबल एज द मोस्ट केसेज इटियोलॉजी इज़ अननोन द फॉलोइंग मॉडलिटीज एंड बेनिफिशियल। कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके लिए जैसे मोस्टली अपन बात करेंगे तो नॉट यूजली प्रिवेंटेबल, कि इसकी यूजली प्रिवेंटेबल में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो अपन प्रिवेंट कर सके। एज द मोस्ट केसेज ऑफ इटियोलॉजी इज़ अननोन, कि अपन देखते हैं कई केसेज ऐसे होते हैं अननोन, अपन जानते नहीं है उसको कोज, अपन को एग्जैक्ट कोज नहीं पता होता है। एग्जैक्ट कोज क्या है मैंने ये बताया था, इसका जो मोस्ट कॉमन जो कोज आना रहता है, जो मोस्ट कॉमन जो इटियोलॉजी है जो प्लेसेंटा प्रीविया की, वो अननोन है, एडियोपैथिक है, कि अपन आप पहचान नहीं पाते कि किसके कारण प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है, क्या एग्जैक्ट कोज है आप उसके बारे में नहीं जानते हो। तो वही कंडीशन है कि प्लेसेंटा प्रीविया के लिए कोई यूजुअली प्रिवेंटेबल नहीं होता है, कि प्रिवेंटेबल किस तरीके से किया जाए, फिर भी अपन कहीं प्रिवेंशंस होते हैं उनको अपन को मेंटेन करना चाहिए, कि हाँ अगर ये प्रिवेंशन अपन कर सकें तो प्लेसेंटा प्रीविया को अपन रोक सकते हैं, उसे जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है उनको अपन रोक सकते हैं। अगर मान लो डायग्नोस करने पर, कंफर्मेटिव होने के बाद प्लेसेंटा प्रीविया का पता चल जाए, पता चलने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिवेंट उसको रोक सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो किस तरह हो जाता है, या पहले से पता लगे कि हाँ मान लो इस कंडीशन में चांसेज है, मान लो सपोज कर लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको पहले से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रखे हैं प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर, तो क्या पता उसको कोई डाउट हो कि प्लेसेंटा प्रीविया होने की आगे चांसेज है, तो उससे उसे पहले से उसे क्या करना है, उस पहले से उसे को प्रिवेंट करना है। वो किस तरीके से करना है मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशनल एंटीनेटल केयर ऑल वुमेन इंप्रूव द जनरल हेल्थ एंड करेक्ट एनीमिया। कि आपको एक बोल सकते हैं अपन, एंटीनेटल जो पीरियड चल रहा है, एंटीनेटल जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी होने से पहले, वो होता है एंटीनेटल केयर। तो उस टाइम पे, उस पीरियड पे क्या करवानी है, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करानी है इंस्टीट्यूट पे, ऑल जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करवानी है। इम्प्रूव द जनरल हेल्थ क्यों करवानी है, क्योंकि उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर डिपेंड है वो किस तरह की डाइट ले रही है, किस तरह से खाना ले रही है, किस तरीके से खा रही है, उसका जो भी बॉडी मेंटेनेंस है, बच्चा फीटस कैसा है, किस तरीके से है, इन्वेस्टिगेशन कराना, बेबी मदर का वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मतलब हर चीज़ चेकअप करने के लिए। इम्प्रूव द जनरल हेल्थ, जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, टू करेक्ट द एनीमिया, कि एनीमिया की कंडीशन तो नहीं है, ब्लड की कमी तो नहीं है, अगर ब्लड की कमी होगी, एनीमिया कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन से आपको आयरन की टैबलेट स्टार्ट करना है, हो सकते हैं न्यूट्रिशन बताना, गाइडलाइन करना, वो सब कुछ इसके अंदर बताया जाता है। तो सबसे पहले यही है कि एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराना इंस्टीट्यूशन के एंटीनेटल ऑल वुमेन द इम्प्रूव द जनरल हेल्थ, कि जो जनरल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके और एनीमिया की कंडीशन को करेक्ट कर सके, कि एनीमिया की कंडीशन ना हो, उस चीज़ को रोक सके। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर आपको पता है कि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ के अंदर ब्लड लॉस ज़्यादा हो, फॉर सपोज करो कि चांसेस है प्लेसेंटा प्रीविया, तो उससे पहले कि अगर मानो एनीमिया की कंडीशन होगी तो पेशेंट की, तो और भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगी, नहीं होगी, हो जाएगी। तो ये ऑब्वियसली इसको करेक्ट करने के लिए जो क्या होता है, एंटीनेटल केयर किस लिए होती है, एंटीनेटल केयर होती है कोई भी जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जो कोई भी एनीमिया की कंडीशन उसको मेंटेन करने के लिए, कि उसको एनीमिया कंडीशन ना होने दे। तो फर्स्टली आप लोगों को प्रिवेंशन यही रखना है कि एंटीनेटल केयर कराना है, जितनी प्रेग्नेंट वुमेंस उसको एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है, सेकंड प्रिवेंशन ये है कि फैमिली प्लानिंग एंड लिमिटेशन ऑफ द बर्थ रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। कि आप फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, बोल सकते हैं फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, लिमिटेशन ऑफ द बर्थ, जो बर्थ बेबीज है 1 2 3 4 5 6 7, कभी कभी मदर्स होती है उनकी प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी होती है, बोल सकते हैं बच्चे 2 भी हो जाए 3 भी हो जाए 4 भी हो जाए 5 भी हो जाए, तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, ओनली फॉर द 1 बेबी या मैक्सिमम 2 बेबी उसको डिलीवर कराना है, बर्थ देना है। और फैमिली प्लानिंग उसको क्या करनी है, फैमिली प्लानिंग एक तरीके से फैमिली प्लानिंग आप उसको यूज़ करनी चाहिए,
हर चीज़ को बोल सकते हैं अपन, कोई भी जो मेथड्स आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, जिससे आगे जो लिमिटेशंस हो जाए, बर्थ ना हो, तो रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ प्रेजेंट ऑफ यूरिया। अगर ये करेंगे, अगर फैमिली प्लानिंग करेंगे या बोल सकते हैं लिमिटेशंस करेंगे कि बर्थ का जो कंट्रोल कर पाएंगे कि बर्थ ज़्यादा नहीं हो, तो उस कंडीशन को क्या डिपेंड करेगा, उस कंडीशन पे ये करेगा कि प्लेसेंटा प्रीमिया की जो इंसिडेंस रेट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि मैंने अपन ने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, शायद इंसिडेंस के अंदर मैंने ये बताया था कि 300 जो प्रेगनेंट लेडीज़ के अंदर 1% 1 पेशेंट जो होता है उसके अंदर प्लेसेंटा प्रीमिया का होता है। तो उस कंडीशन से अगर मान लो प्रेग्नेंट ही ना होगी, फैमिली प्लानिंग होगा या बोल सकते हैं बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, तो उस कंडीशन होने की चांसेस है क्या, नहीं है चांसेस। तो उसके बाद इंसिडेंस जो प्रेजेंट है, जो इंसिडेंस है जो, उसके बाद रेशियो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम चला जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द राइजिंग रेट इन सीजरियन डिलीवरी इन द प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी प्रीडिक्टर ऑफ टू प्लेसेंटा, कि जो भी सीजरियन डिलीवरी है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। राइजिंग मतलब जो भी रेट है, मतलब बोल सकते हैं वो ज़्यादा सीजरियन डिलीवरी, तो उसको कम करना है, मेंटेन करके रखना है। तो प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी प्रीडिस्पोजेस टू प्लेसेंटा, जो लास्ट टाइम जो सीजरियन डिलीवरी हो रखी है, डिस्पोज ऑफ प्लेसेंटा को डिस्पोज करें, इस कंडीशन से क्या होता है, अपने को रिड्यूस करना है रिस्क को, रिड्यूस करना है, बोल सकते हैं रिड्यूस द राइजिंग ऑफ द रेट ऑफ द सीजरियन डिलीवरी को क्या करना है, कम करना है। इस चीज़ को अपन मेंटेन करें, क्योंकि अगर सीजरियन डिलीवरी तो कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेज है कि नहीं है, होने के चांसेज है, तो उस कंडीशन से भी क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीमिया होने के चांसेज ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर यूनिवर्सल टारगेटेड स्कैन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एट 18 वीक्स, कि यूनिवर्सल बोल सकते हैं प्रिवेंशन कैसे कहते हैं, जितने भी ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनके अगर बिफोर द 18 वीक है, उसको क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए, स्कैन द ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स, सभी प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन अपन बोल सकते हैं स्कैन करने के लिए बोल सकते हैं अपन, जैसे क्योंकि जो इसको क्या कहते हैं डायग्नोस करने के लिए कि लो लाइंग प्लेसेंटा हो या लेटरल बिकम द प्लेसेंटा प्रीविया हो, उस चीज़ को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए क्या करना है उसका, ये यूनिवर्सल टारगेट यही कि स्कैन जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बिफोर द 18 वीक्स क्या करना है, स्कैन करके पता चलना है कि प्लेसेंटा कौन सी जगह इम्प्लांटेशन हुआ है, किस जगह से अटैच हुआ है, उस चीज़ का उनको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन था इसके, ये प्रिवेंशन अपन देखें, प्रिवेंशन के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर कि आप एट होम पे, मतलब बोल सकते हैं अपन ट्रीटमेंट की बात करें कि एट होम पे क्या ट्रीटमेंट करोगे, किस तरीके से करेंगे ट्रीटमेंट के बात करते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, वो आपका था प्रिवेंशन की बात थी, यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करते हैं एट होम कि किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्टली यही देखते हैं, फिर फर्स्टली ये देखते हैं कि एट ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो कंडीशंस है, कि इमरजेंसी कंडीशंस हो जाती है एट होम पे, तो कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे रोकोगे, आगे के कॉम्प्लिकेशंस जो होने वाले हैं उस किस तरीके से होगा। तो एट होम की बात करते हैं, घर के अंदर द पेशेंट इज इमिडिएटली पुट टू बेड, पेशेंट को क्या करना है, तुरंत ही इमिडिएटली क्या करना है, बेड पर लेटाना है, बेड पर बिठाना है। नेक्स्ट है टू असेस द ब्लड लॉस, जितना भी ब्लड लॉस हो रहा है उसको क्या करना है, असेस करना है कि कितना, मेजर करना है कि कितना ब्लड लॉस हो चुका है आपको, अकॉर्डिंग टू जो फ्लो फॉल हो रखा है, गिर रखा है, बेडशीट पे हो या क्लोथ्स पे हो या फर्श पे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला लगाना है कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। नेक्स्ट है क्यूक बट जेंटली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, तो तुरंत ही आपको क्या करना है, उसका असेसमेंट करना है, बोल सकते हैं एग्जामिनेशन करना है। हाइट ऑफ द यूट्रस आपको चेक करनी है, एस्कल्टेशन ऑफ फीटल हर्ट साउंड आपको चेक करना है, एंड कोई भी टेंडरनेस हो या कोई भी टाइटनेस आ रही है यूट्रस के अंदर, आपको क्या करना है, उसको उसको नोट करना है। तो ये कि क्यूक बट जेंटली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, कि आपको जल्दी से बिल्कुल काम हो गया, आपको क्या करना है, उसको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन, आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करनी है, ओनली फॉर इंस्पेक्शन करना है किसी वेदर द ब्लीडिंग ब्लीडिंग कितनी हुई है, प्रेजेंट है, एबसेंट है, आपको यूज क्या करना है, जो स्टराइल वल्वल पैड यूज करना है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्या पता है प्लेसेंटा प्लेसेंटा पीरियड के टाइम पे क्या हो, प्लेसेंटा बाहर आ गया हो या अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गई हो, बोल सकते हैं उससे बच्चे क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, उसको मेंटेन करके वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। और वहाँ पर यही सजेस्ट करना है हर जगह कहीं कहीं कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रीजन है जिनके कारण वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, वो आपको मैं इसी के चैप्टर के अंदर लास्ट के अंदर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांसफर टू हॉस्पिटल, कि आपने पहले प्रिवेंशन किया, प्रिवेंशन से हो तो फिर उसका आपने देखा कि एट होम पे देखा तो घर पे क्या प्रॉब्लम्स हो गई है, प्रेजेंट की कंडीशंस मतलब एक तरह से इंक्रीज हो गई, तो क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू हॉस्पिटल, फिर पेशेंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो अरेंजमेंट इज मेड टू शिफ्ट द पेशेंट इन क्यूपेड हॉस्पिटल हॉस्पिटल आप यहाँ पर चेंज यहाँ पे इक्यूपेड कर लीजिए, क्यूपेड की जगह इक्यूपेड लिख दीजिए, यहाँ पर इक्यूपेड है। तो यही कि इक्यूपेड हॉस्पिटल हैविंग फैसिलिटीज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन
एंड इमरजेंसी सीजरी सेक्शन एंड NICU। आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट को शिफ्टेड करना है हॉस्पिटल के अंदर, जो वेल इक्विपेड हॉस्पिटल हो, जो उन्हें फैसिलिटीज, ब्लड ट्रांसफर की फैसिलिटीज़ हो, सीजरियन की फैसिलिटी हो, NICU की फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पर अरेंजमेंट को प्रॉपरली शिफ्ट कर, वहाँ पर पेशेंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो अपन को पेशेंट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन, कि आपने जब पेशेंट का एडमिशन हो गया है, बोल सकते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, देन आफ्टर दैट क्या करना है, वो ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है वो आपको देखना है, किस तरीके, मैं बताता हूँ एक एक के बारे में। फर्स्टली बात करते हैं अपन इमीडिएट अटेंशन, आपको क्या करना है, इमीडिएट अटेंशन करना है कि मतलब कोज बोल सकते हैं अपन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंडीशन को आपको क्या करना है, उस चीज़ को नोट आउट करना है, आपको रिकॉर्ड करना है, बोल सकते हैं अपन उस चीज़ को मेंटेन करके चलना है। तो इमीडिएट अटेंशन, आपको तुरंत अटेंशन देना है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द केसेस क्विकली मेड अप द रिकॉर्ड, आपको ओवरऑल असेसमेंट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो फर्स्टली देखेंगे अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, कितना अमाउंट ब्लड कितना लॉस हुआ है, आपको नोटिंग करना है। जनरल कंडीशन आपको पैलोर या पल्स, ब्लड प्रेशर आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, कंडीशन देखने की कितना मतलब ब्लड लॉस हुआ है, तो रेड है या रेडिश है, ब्लैक है, आपको कलर चेक करना है, कितना फॉल हुआ है, कितना गिरा है वहाँ पर, पल्स रेट क्या चल रही है, ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, जो भी ब्लड लॉस हो उस अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। नेक्स्ट है ब्लड सैंपल टेकन, लास्ट में क्या करना है, सेकंड क्या करना है, आपने फर्स्टली ब्लड लॉस जो हुआ है उसको आपने नोट आउट किया, अमाउंट ऑफ द कितना ब्लड लॉस हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या सैंपल टेकन, आपको क्या करना है, ब्लड सैंपलिंग लेना है जिसका क्रॉस मैचिंग करवानी है, आपको हीमोग्लोबिन चेक करना है, उसको ब्लड ग्रुपिंग चेक करनी है कि ब्लड ग्रुपिंग कौन सा है, क्योंकि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो आपको ब्लड ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ऑब्वियसली बात है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड ग्रुपिंग की जरूरत, ब्लड मैचिंग की बात की जरूरत होती है, हीमोग्लोबिन कितना है, तो अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन से पता चल जाए कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ज़रूरी है या नहीं है, ब्लड कितना फॉल हुआ है, तो आपको उस चीज़ का करना ज़रूरी है। तो ब्लड सैंपल इज टेकन, ब्लड सैंपल वहाँ पर लेना है। नेक्स्ट है द लार्ज बोर IV कैनुला इज साइटेड ऑन द इन्फ्यूजन नॉर्मल सराइन, वहाँ पर जो लार बोल सकते हैं अपन IV फ्लूड, आपको क्या करना है, IV कैनुला क्या करना, इंसर्ट करना है, इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है, नॉर्मल सराइन बोल सकते हैं स्टार्ट इनकैपेबल, क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी अरेंज, वो क्या करना है, जब तक मैं बोल सकते हैं अपन कि अरेंज करे कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अरेंज करे या नहीं कर हो रहा है, तो जब तक क्या करना है, फ्लू ट्रांसफ्यूजन करना है, क्योंकि अगर मान लो ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो सकती है, हाइपोवोलेमिक कंडीशन तो पेशेंट सीरियस कंडीशन में हो सकता है, बच्चे के ऊपर फीटस को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए क्या करना है, उस टाइम पर क्या करना है, उस टाइम पर क्या किया कि उस टाइम पर सडनली क्या करना है, IV कैनुला लगाना है, साइटेड द इन्फ्यूजन और नॉर्मल स्टार्ट कर देनी है। जेंटली एब्डोमिनल पाल्पेशन क्या करना है, जेंटली चेक करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, इन सॉफ्टली यूज़ करना है, जिसमें यूट्राइन टेंडरनेस अस्कल्टेशन नोट करना है, फीटल हार्ट रेट चेक करना है कि फीटल हार्ट रेट प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही है, यूट्रस टाइटनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, टेंडरनेस हो रहा ही नहीं हो रहा है वो चेक करना है। उसके अलावा वो सकते हैं अपन यूट्राइन टेंडरनेस और अस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट को क्या करना है, अस्कल्टेट करना है कि प्रॉपरली अस्कल्टेट हो रहा है नहीं हो रहा है, हार्ट साउंड प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा, वो चेक करना जरूरी। तो जेंटली एब्डोमिनल क्या करना है, पाल्पेशन करना है। इंस्पेक्शन ऑफ वल्वा, वल्वा क्या इंस्पेक्शन करना है कि नोट करना है कि प्रेजेंस ऑफ द एनी एक्टिव ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, आपको चेक करना है कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई बाद में हो रही हो, दिन में हो रही है, बोल सकते हैं नाइट में हो रही हो, तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है कि वल्वा की आपको कहीं ब्लीडिंग तो नहीं रही, किस टाइम पर हो रही है, कितनी बार ब्लड लॉस हुआ है, आपको चेक करना ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट, एडमिशन हो गया है पेशेंट का, एडमिशन हो गया जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो इमीडिएट अटेंशन देना आपको, उसका ब्लड लॉस कितना हुआ है, ब्लड सैंपल चेक करवाना है, IV कैनुला लगाना है इन्फ्यूजन के लिए, एब्डोमिन पाल्पेशन का चेक करना है, और लास्ट में इंस्ट्रक्शन करना है कि ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है वल्वा की जगह से। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि अपन देखेंगे टू टाइप्स इसमें क्या करेगा, ट्रीटमेंट एडमिशन करता है, पहला था इमीडिएट अटेंशन, नेक्स्ट वन जो है फॉर्मुलेशन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर्मुलेशन ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं अपन इसके अंदर क्या है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, फीटल एंड मेटरनल स्टेटस एंड एक्सटेंड ऑफ द हेमरेज। जो इसके अंदर बताया हुआ है फॉर्मुलेशन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करिए, इसके अंदर ये बताया कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, जो प्लेसेंटा प्रीवा की जो पेशेंट है उसको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कितने टाइम तक चलेगी, क्या ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, फीटल कैसा है, मेटरनल स्टेटस कैसा है, फीटल एंड मेटरनल स्टेटस, फीटस ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है तो नॉर्मल डिलीवरी करा के उसको प्रॉपर से, अगर फीटल की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो सीजरियन करना भी कर सकता है, डॉक्टर की गाइडलाइन भी लेनी पड़ सकती है। तो ये कंडीशन करता है एक्सटेंड ऑफ द हेमरेज, और एक्सटेंड हेमरेज की कंडीशन हो जाए उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाना चाहिए क्या नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ लाइन कहते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होता है और एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। एक्सपेक्टेड का मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो एक मैकाफी और जॉनसन रेजिमेन है, एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है मैकाफी और एंड जॉनसन। इन्होंने 1945 की बात है, 1940 इनको क्या पॉलिसी एडवोकेटेड बाय द मैकफी एंड जॉनसन 1945 के। लेकिन तो क्या क्या है जो फीटल्स जो बोल सकते हैं अपन कि इनका एम यही है कि इन्होंने ये बताया कि एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट के बारे में बताया इन्होंने। इनका एम यही कि कंटिन्यूस जो प्रेगनेंसी है फॉर फीटल मेच्योरिटी के लिए विदाउट द कम्प्रोमाइज द कम्प्रोम। हाँ देखिए, इसका एम यही है कि जो इन्होंने जो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट है जिसमें मैकेफी जॉनसन ने बताया 1945 में, कि इनका एम यही है कि कंटिन्यूस प्रेगनेंसी ऑफ फीटल मेच्योरिटी, फीटल मेच्योरिटी के लिए क्या कंटिन्यूस प्रेगनेंसी होना ज़रूरी है विदाउट कम्प्रोमाइजिंग एंड द मेटल हेल्थ। कोई भी कम्प्रोमाइजिंग नहीं करना है मेटल हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि अगर मान लो मेटल हेल्थ से कम्प्रोमाइजिंग करते हैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज है जब भी बच्चों को उस कंडीशन से, तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करना है उस टाइम पे, कि कॉम्प्रोमाइजिंग बोल सकते हैं अपन जिसके जिसे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मेटर करता है। फिटन मैच्योरिटी बिल्कुल परफेक्ट है प्रेगनेंसी, तो इसका एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट का यही एम है कि कोई प्रेगनेंट नहीं होनी चाहिए और फिटन मैच्योरिटी प्रॉपरली हो सके। ठीक है, वो कंडीशन कौन कौन सी है देखते हैं इसके अंदर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के अंदर। द एम इज़ द कंटिन्यूस प्रेगनेंसी, इसका एम ये कि जो कंटिन्यूस प्रेगनेंसी है डेगेस्टेशन लेस देन 37 वीक की बात है, कि कंटिन्यूस जो प्रेगनेंसी चल रही है 37 वीक के बाद है फॉर फीटल मैच्योरिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मैटरनल हेल्थ। जो 37 वीक से पहले क्या हो रहा है, 37 वीक से पहले क्या हो रहा है उस कंडीशन में हो सकती है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो ये कहें कि इसका एम ये कि कंटिन्यूस प्रेगनेंसी गेस्टेशन लेस देन 37 वीक कम है तो कंटिन्यूस प्रेगनेंसी रखनी है वीक्स फॉर द फीटल मैच्योरिटी, फीटल मैच्योरिटी ऑफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मैटरनल हेल्थ इन सेंटर इन द विद राउंड ऑफ द क्लॉक फैसिलिटी ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन एंड सीजर एंड डिलीवरी बाय प्रोवाइडिंग बेड रेस्ट आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मैटरनल मैटरनल हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा क्या फीटल मैच्योरिटी जो बोल सकते हैं अपन ये एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैटरनल हेल्थ सेंटर इन राउंड ऑफ द क्लॉक फैसिलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सीजर एंड डिलीवरी बाय द प्रोवाइडिंग बेड रेस्ट, सीजर एंड डिलीवरी कराया तो बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना, आयरन सप्लीमेंटेशन देना, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। ये क्या अपन एक्सपेक्ट करते हैं जा सकते हैं कि सीजर एंड डिलीवरी के अंदर क्या आपको देना है, नॉर्मल डिलीवरी अपन को क्या क्या देना है। और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट टर्मिनेटेड विद पेशेंट गोज इन टू द लेबर एंड परसिस्टेंट ब्लीडिंग एंड 37 कंप्लीट वीक ऑफ गेस्टेशन। अपन एक्सपेक्टेड मैनेज कर सकते हैं कि टर्मिनेटेड करना, पेशेंट गो इन टू द लेबर, लेबर से टर्मिनेट करना बोल सकते हैं अपन। परसिस्टेंट ब्लीडिंग अगर कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है एंड 37 वीक कंप्लीट हो गए वीक्स ऑफ गेस्टेशन के, उस कंडीशन में क्या होता है लेबर कराना जरूरी है, डिलीवरी कराना जरूरी है, उसको टीच को टर्मिनेट करना जरूरी है। तो ये क्या है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है कि एक्सपेक्टेड करना चाहिए या कर सकते हैं ऐसा। कंडक्ट द एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, कौन कौन से ट्रीटमेंट है बोल सकते हैं जैसे एक्सपेक्टेंट की बात करें तो फर्स्टली यही है कि बेड रेस्ट विदाउट विथ बाथरूम प्रिविलेजेस, कि बेड रेस्ट जरूरी है। क्या जरूरी है बेड रेस्ट, अगर प्रॉपरली बेड रेस्ट होगा तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फर्स्टली यही कि एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के लिए फर्स्टली बेड रेस्ट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अंदर वही सब कुछ आ जाएगा, मैंने बताया था हीमोग्लोबिन आ जाएगा, हीमोटोक्रेट आ जाएगा, ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगा, यूनिवर्सल प्रोटीन आ जाएगा, ये सब कंडीशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है। तो उस चीज़ को एक्सपेक्टेड ये है कि पहला फर्स्टली बेड रेस्ट प्रोवाइड कराना, नेक्स्ट उसके बाद बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवाना। नेक्स्ट है पेरियोडिक इंस्पेक्शन, पेरियोडिक इन्फेक्शन क्या होता है जो वल्वा पैड्स होता है फीटल बोल सकते हैं अपन, फीटल सर्विलेंस विद द यूसीजी एंड इंटरवल 2 to 3 वीक्स क्या होते हैं उस कंडीशन के अंदर। अगर मतलब पेरियोडिक इंस्पेक्शन के अंदर उसको ओनली फॉर जो एरिया है जो वल्वा वाला एरिया है उसको इंस्पेक्शन करना है, तो एक हो सकता है पैड्स इन द फीटल सर्विलेंस ऑफ द यूएसजी सोनोग्राफी के इंटरवल 2 से 3 वीक के अंदर इंटरवल लेके उसको करवाना जरूरी है। ठीक है, तो पेरियोडिक इंस्पेक्शन कराना जरूरी है। सप्लीमेंट्री हेमेटिक्स, सप्लीमेंट्री हेमेटिक्स का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री हेमेटिक्स का मतलब ये है यहाँ पर कि बोल सकते हैं अपन कि शुड बी गिवन द ब्लड लॉस एंड रिप्लेस द एडिक्वेट क्रॉस मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि अपन बोल सकते हैं पेशेंट के जो सप्लीमेंट्री हेमेटिक्स जो ब्लड से रिलेटेड टी थी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, उस चीज़ को बोल सकते हैं कि अगर मान लो सप्लीमेंटेशन देंगे, अगर मान लो आयरन की टैबलेट दें या बोल सकते हैं अपन कोई भी ले लिया मल्टीविटामिन की सिरप लेना स्टार्ट है, तो उससे क्या हो जाएगा उससे एनर्जी आएगी बोल सकते हैं या ब्लड का रिप्लेसमेंट जल्दी होगा या बोल सकते हैं ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सकता है, उस कंडीशन में सप्लीमेंट्री हेमेटिक्स देना
जरूरी है। यूज ऑफ वो टोकोलाइसिस मैग्नीशियम सल्फेट, क्यों? वेजाइना जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल कर सके, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कर सके, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग आना स्टार्ट बंद हो जाएगी। तो एक बोल सकते हैं यूज टोकोलाइसिस यूज़ करते हैं। यूज ऑफ द सर्वाइकल सर्कलेज एंड रिड्यूसिंग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए सर्वाइकल सर्कलेज करना जरूरी है। अगर वो रहेगा ओपन रहेगा तो वहाँ से बच्चे बोल सकते हैं अपन उससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग अपन रोक नहीं पाएंगे प्रॉपरली, ब्लीडिंग नहीं होता। तो सर्वाइकल सर्कलेज का करते हैं, ये मेथड है, मैंने आपको बताया था अबॉर्शन जब अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने ये बताया था सर्वाइकल सर्कलेज क्या होता है, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट है जिसके कारण होता है बेड रेस्ट देना, इन्वेस्टिगेशन कराना, पेरियोडिक इंस्पेक्शन कराना, सप्लीमेंटेशन, हेमेटिक्स देना, यूज ऑफ टोकोलाइसिस करना, यूज ऑफ सर्वाइकल सर्कलेज एंड रिड्यूस द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट की, बात करेंगे कि एक्टिव मैनेजमेंट में कौन कौन से होते हैं, ये एक्टिव मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये वो तो था आपका कि अपन बोल सकते हैं जो इमीडिएट अटेंशन क्या करना है उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ द ट्रीटमेंट के अंदर दो होता है एक्सपेक्टेंट और एक्टिव। तो एक्टिव की बात करेंगे तो द इंडिकेशन डेफिनेटिव मैनेजमेंट आर, कौन कौन से इंडिकेशन है जिनके अंदर एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं इस मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि अपन इंडिकेशन है जो जिसमें अपन कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। वो है ब्लीडिंग अकर एट और आफ्टर 37 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर ब्लीडिंग 27 वीक से पहले या 27 वीक के बाद हो रही है तो उस कंडीशन में एक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड कराते हैं, डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड पेशेंट इन द लेबर, पेशेंट अगर लेबर में है तब एक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्लीडिंग इज कंटिन्यूइंग एंड द मॉडरेट डिग्री बेबी इज डेड, नॉन ऑफ द कंजेनाइटल डिफॉर्म, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि अगर मान लो ब्लीडिंग कंटिन्यूस है, रुक रही नहीं है, कंटिन्यू चलती जा रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में मॉडरेट डिग्री बेबी इज डेड, कि अपन बोल सकते हैं कि बेबी एक तरीके से डेड हो चुका है, बोल सकते हैं मॉडरेट डिग्री के आ गया है, नॉन टू बी अ कंजेनाइटल डिफॉर्म। और क्या हो सकते हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्म होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, जिससे क्या होता है डिफॉर्मिटीज आ जाती है, जिससे कंजेनाइटल क्या हो जाएगा, डिफॉर्मिटीज आएगा जो प्रॉपरली क्लास है। अपन बोल सकते हैं इसके अंदर कि आप वो अपन बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग अगर कंटिन्यूस कंटिन्यू ब्लीडिंग चल रही है मॉडरेट डिग्री पे बेबी का डेड हो जाए तो नॉन एज अ कंजेनाइटल डिफॉर्म हो जाते हैं, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ब्लीडिंग प्रॉपर ज़्यादा हुई, कंट्रोल नहीं हुए, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, ब्लड लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है, तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिससे कंजेनाइटल डिफॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिलीवरी मैनेजमेंट की, बात करते हैं डिलीवरी मैनेजमेंट की, बात करेंगे कि अपन इसके अंदर मानो कोई डिलीवरी करवा रहे हैं पेशेंट की, प्लेसेंट एब्ड्यूकल कंडीशंस है उसकी डिलीवरी करा रहे हैं, तो कौन सा मैनेजमेंट अपन इसको मेंटेन करके रखेंगे। फर्स्टली बात करते हैं सीजरियन डिलीवरी की, बात करते हैं तो सीजरियन डिलीवरी इज डन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन विद द सोनोग्राफिक एविडेंस एंड प्लेसेंटा प्रिया वेयर द प्लेसेंटा विद इन द 2 सेंटीमीटर इज द इंटरनल होल्स। आप सीजरियन डिलीवरी करवा रहे हो किसी पेशेंट की, अगर मानो सीजरियन डिलीवरी हो रही है, वो बोल सकते हैं कोई डॉक्टर है सीजरियन डिलीवरी करते हैं वहाँ पर आप असिस्ट करा रहे, तो ऑल जितने भी प्रेगनेंट्स हैं उसको सोनोग्राफी के साथ से अगर एविडेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रिया, आपको एविडेंस देना कि प्लेसेंटा प्रिया था या नहीं था, आपको चेक करना जरूरी है। 8 मंथ हो जाए तो अगर डिलीवरी हो तो उससे पहले क्या करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है कि उस कंडीशन से बोल सकते हैं कि उसको ना भी एविडेंस हो जाएगा प्लेसेंटा प्रिया कंडीशन तो नहीं है, उसी में 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल ओसे तो नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को पता चल जाती है, उससे फाइंड आउट हो जाता है। तो सीजरियन सेक्शन करने के लिए सबसे प्रेग्नेंट वुमेन की जो सोनोग्राफी है वो करना जरूरी है, एविडेंस करना बहुत जरूरी है कि प्लेसेंटा प्रिविया है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये कि वेजाइनल डिलीवरी, अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही तो मे बी कंसाइडर वेयर द प्लेसेंटा एट द क्लियरली 2 से 3 सेंटीमीटर अवे एंड इंटरनल सर्वाइकल ऑफ डिलीवरी, जो वेजाइनल डिलीवरी है वो कंसाइडर बोल सकते हैं प्लेसेंटा के एट, ठीक है। सॉरी कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था बीच के अंदर अभी, ठीक है। तो अब मैं देख रहा था यहाँ पर बताया था वेजाइनल डिलीवरी के बारे में, दोबारा देखिए वेजाइनल डिलीवरी के बारे में बता रहा हूँ। तो वेजाइनल डिलीवरी में बी कंसाइडर वेयर प्लेसेंटा एड इन क्लियरली 2 से 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ऑफ डिलीवरी, कि अगर वेजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं तो आप उनको कंफर्म करना जरूरी है कि जो प्लेसेंटा है वो क्लियरली 2 से 3 सेंटीमीटर क्या है ऊपर की ओर है फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल जो ऑफ डिलीवरी सर्वाइकल ओस बोल सकते हैं, उसके पर क्या है 1.2 से 3 सेंटीमीटर क्या अबाव है वो बोल सकते हैं अवे है दूर है, उस कंडीशन से क्या कर सकते हैं वेजाइन अपन डिलीवरी करवा सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया, इसके अंदर बताया कि जो डिलीवरी है वेजाइनल, अपने बताया एक सीजरियन डिलीवरी है और एक वेजाइनल डिलीवरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं करवा सकते। पहला ये है कि पेशेंट अगर डायग्नोस कैसे कि मेजर डिग्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रिविया, अगर मान लो आपने USG करवाई तो उससे बहुत ज़्यादा पता चल गया कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, कंप्लीट ऑफ द प्लेसेंटा प्रिविया, कंप्लीट टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रिविया, तो उस जगह पर आप उस जगह एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन फैक्टर्स ज़्यादा माल प्रेजेंटेशन, अगर मान लो माल प्रेजेंटेशन कंडीशन हो तब आप वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते।
बोल सकते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविड, प्राइमरी ग्रेविड हो कंडीशन उसमें भी नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी ऑफ हिस्ट्री और प्रीवियस सीजन सेक्शन की कंडीशन हो, या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, या देमसेल्फ इंडिकेट हो सीजन सेक्शन, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सीजन सेक्शन बोल सकते हैं, या इस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडेशन है विजाइनल एग्जामेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद लोअर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाता है, लोअर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट है, ओवरऑल की बात करते हैं पर जो मैनेजमेंट है कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ये डायग्राम थोड़ा छोटा है कि आपको बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दूसरी स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ, वो क्लियरली आपको दिख जाए, ठीक है। आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, मैं आपको जो इसके अंदर दिखा रहा हूँ इसके अंदर देखिए आराम से आपको, ठीक है। कोशिश यही करूँगा कि आपको समझ में अच्छे से आए। तो देखते हैं इसके अंदर जो मैनेजमेंट की बात चल रही थी अपनी, कि मैनेजमेंट देखते हैं इसके अंदर। एंटी पार्टम हेमरेज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। एंटी पार्टम हेमरेज के बारे में मैंने बताया था, एंटी पार्टम हेमरेज क्या होता है, इसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शन प्लेसेंटा दोनों कंडीशंस इसके अंदर आती है। तो एंटी पार्टम हेमरेज हो गया, ट्रांसफ़र टू एडमिट द हायर सेंटर, जो बोल सकते हैं अपने हॉस्पिटल के एडमिट कराना, ट्रांसफ़र करना, एडमिट करना। अपन ने देखा कि हिस्ट्री कलेक्शन ली, जनरल फिजिकल फ्रैक्चर का एग्जाम एग्जामिनेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, रिसोसिटेशन किया, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन की। अपन ने छह चीज़ करी कि एंटी पार्टम हेमरेज है, ट्रांसफ़र कर दिया एडमिट करने के लिए, तो आपने हिस्ट्री कलेक्शन किया। तो हिस्ट्री कलेक्शन में क्या चेक किया कि डिटेल ऑफ द हिस्ट्री कलेक्शन में पेनलेस पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है, नंबर ऑफ बॉइट्स बाउट्स है, या सीवीटी ब्लीडिंग है, या लो प्लेसेंट है, प्रीवियस स्कैन हो रखा है कि नहीं हो रखा। आपको हिस्ट्री चेक करना कि ब्लीडिंग कितने टाइम तक हुई है, कब से ब्लीडिंग हो रही है, लास्ट 2 डेज पहले हुई थी क्या, वो आपको चेक करवानी ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, हिस्ट्री चेकिंग कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एबडोमिनल एग्जामिनेशन, एबडोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन चेक करते हैं बच्चे का, फीटल हार्ट रेट सुनते हैं, ठीक है, आगे प्रेजेंटिव पार्ट है कि नहीं है, एनीमिया कंडीशन देखते हैं, शोक में तो नीचे लगा इस कंडीशन में, वो क्या करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करवाते हैं, ब्लड ग्रुप के अंदर पता चल जाएगा, हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, ब्लड मैचिंग करवाते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने का भी पड़ जाती है। रिसर्सिटेशन करना, रिकवर करना उस चीज़ को, एंड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एग्जामिनेशन करना, यूएसजी करवाना इन द प्लेसमेंट ऑफ द लोकलाइज यूएसजी द डॉपलर सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया एंड एमआरआई प्लेसेंटा प्रीविया एक्रेटा। इसके अंदर जो एमआरआई के थ्रू बोल सकते हैं अपन, या बोल सकते हैं अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के थ्रू बोल सकते हैं, जो भी क्लियर पिक्चर अपन दिख क्लियर पिक्चर अपन को दिखाई दे जाए, लोकलाइज हो जाए एक तरीके से, अपन जो यूएसजी के थ्रू अपन को पता चल जाए, डॉपलर कलरफुल हो तो उससे भी पता चल जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हिस्ट्री कलेक्शन ले लिया, हिस्ट्री कलेक्शन से अपन को पता चल गया कि क्या कंडीशंस है। अब देखेंगे इसके अंदर कि जो एंटीपार्टम हेमरेज है, तो एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर अपन ने क्या किया, अपने डायग्नोस किया प्लेसेंट अपने कंफर्म हो गया कि अल्ट्रासाउंड से कि अपन को कंफर्म हो गया कि इसके प्लेसेंटा प्रीविया है, अपन को कंफर्म हो गया यहाँ पर कि प्लेसेंटा प्रीविया है। तो इसके अंदर आप देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया कंफर्म होने के एमआरआई के बाद अपन को दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये है कि माइल्ड टू मॉडरेट और नेक्स्ट है सीवियरिटी की, ठीक है। सीवियरिटी की बात में मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्टली ये कि माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, और एक कंडीशन सीवियर हेमरेज। अगर मान लो डायरेक्ट आप लोगों को पता है डायग्नोस करके पता चला, डायग्नोस करके पता चला कि माइल्ड टू मॉडरेट एपीएच है, अगर नॉर्मल कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन वाली है, एंटीपार्टम हेमरेज है, तो गेस्टेशन 37 वीक्स है। अब इसकी बात करते हैं कि गेस्टेशन 37 वीक से कम है तो सीजरियन डिलीवरी विद द एडिक्वेट ब्लड, ओके, क्या करना है सीजरियन डिलीवरी कराना है विद द एडिक्वेट ब्लड, ब्लड का नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू बोलता है बिल्कुल ठीक ठीक ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए, उसके बाद क्या कराना है सीजरियन डिलीवरी कराना, अगर माइल्ड टू मॉडरेट एपीएच कंडीशन हो तब। गेस्टेशन अगर 37 वीक से ऊपर हो तो दो चीज़ें इसमें, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो नो सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, जनरल कंडीशन हो स्टेबल, फीटल कंडीशन गुड एंड विद द फीटल डिस्ट्रेस, नो ग्रोस फीटल मालफॉर्मेशन, हॉस्पिटल हैज फैसिलिटी फॉर 24 आवर ब्लड एंड एनेस्थेसिया सीजरियन डिलीवरी। अपन एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, बोल सकते हैं जनरल कंडीशन स्टेबल हो, प्रॉपरली हो, फीटल कंडीशन गुड होनी चाहिए, ठीक है, रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट चेक कर, या ग्रोस फीटल माल फॉर्मेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, और 24 आवर्स का ब्लड एनेस्थेसिया जो सीजरियन डिलीवरी है वो प्रॉपरली वे में होनी चाहिए इस हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप एडमिट करा रहे हो उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट की बात करें, सॉरी इसको कंटिन्यू देखते हैं अपन कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है।
अब इसके अंदर देखेंगे कि एक्टिव मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें है कि सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग लेबर सेट इन मदर इन शॉक डेड फीटस या ग्रोस फीटर माल फॉर्मेशन बेटामेथासोन थेरेपी इन ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बोल सकते हैं लेस देन 34 वीक ऑफ रिसेस्टेशन अरेंज द एडुकेट ब्लड लॉस एंड ब्लड प्रोडक्ट। कि अपन एक्टिव मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एक्टिव मैनेजमेंट में कंडीशन ये है कि अगर मान लो सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो रखी हो, फीटस डेड हो गया हो, मदर में शॉक भी चली गई हो या फीटल माल फॉर्मेशन कंडीशन हो गई हो, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, एक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, इमीडिएट होते हैं एक्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। उसकी दो कंडीशंस है, अगर डबल सेट ऑफ एग्जामिनेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर या रेली डन फॉर द मोर माइनर डिग्री प्रेजेंट ऑफ प्रीवियस अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और एक कंडीशन है कि सीजरियन डिलीवरी करें। कि यहाँ पर तो क्या करना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर सीजरियन डिलीवरी करें विदाउट इंटरनल एग्जामिनेशन और द मेजर डिग्री ऑफ द प्लेसेंट ऑफ प्रीवियस अल्ट्रासाउंड, कोई भी मेजर डिग्री बोल सकते हैं एमआरआई या अल्ट्रासाउंड से पता चल जाए, वहाँ सीजरियन डिलीवरी कराएं। यहाँ पर क्या किया, एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद अपन वो देखेंगे दो कंडीशन में बांटा है इन्होंने, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में ये एंटीरियर, टाइप सेकंड में पोस्टीरियर। टाइप फर्स्ट की बात करेंगे अपन, एंटीरियर की बात करेंगे तो एंटीरियर में ये है कि प्लेसेंटा प्रीविया है, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया तो उसके अंदर फीटल डिस्ट्रेस होने की चांसेज है, एक्सचेंज हेमरेज चांसेज है। अगर ये कंडीशन है तो उसका कराना है सीजरियन डिलीवरी विद द एडुकेट ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के साथ, क्या कराना है सीजरियन डिलीवरी करवानी है। यहाँ पर दे रखा है कि एंटीरियर अगर मान लो ये कंडीशन है तो फीटल कंडीशन गुड एंड नो एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो आपको क्या करवानी है, अगर फर्स्ट टाइप है तो एमनिटोमी करानी है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देना है कोई कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए, तो मॉनिटर जनरल कंडीशन और कंटिन्यूस ऑफ द फीटल हार्ट आपको क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग करने के बाद आपको चेक करना है कि गुड प्रोग्रेस ऑफ लेबर, नो सिग्निफिकेंट हेमरेज एंड नो फीटल डिस्ट्रेस, तो आपको क्या करवानी है, वेजाइनल ब्लीडिंग करवानी है। अगर वो कंडीशन हो जाए कि नॉन प्रोग्रेस, पुअर प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो, सिग्निफिकेंट हेमरेज हो या पेशेंट एमोडायनेम अनस्टेबल हो, फीटल डिस्ट्रेस में, तो क्या करवानी है, अर्जेंटली आपको क्या करवानी है, सीजरियन डिलीवर करानी है आफ्टर द रिसेसिटेशन एंड अरेंजिंग ब्लड। अगर ब्लड को अरेंज कराने के बाद या रिसेसिटेशन कराने के बाद क्या करानी है, अर्जेंटली क्या करानी है, सीजरियन डिलीवरी करवानी है। ठीक है, ये तो हो गया था, ये तो हो गया था एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की बात कर रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं सीवियर हेमरेज। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर जो डायग्नोसिस किया कंफर्म हो गया तो सीवियर हेमरेज है, तो आपको रिसेसिटेशन करना है विद आई वी इन्फ्यूजन देना है ऑफ क्रिस्टल रिंगल एक्टेड देना है नॉर्मल सलाइन कोलोइड्स एंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद द 214 गेज वाइट बोर कैनुला, आपको क्या लगाने बड़े कैनुला जिसमें एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, एक आई वी फ्लूड के लिए, एंड इमीडिएट सीजरियन डिलीवरी इज रेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशन, और आपको क्या करानी है, सीजरियन डिलीवरी करानी है उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट है, ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको इसके अंदर बताया, इसके अंदर डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीपार्टम हेमरेज है, उसके बाद ट्रांसफर किया, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन ली, उसके बाद डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद दो कंडीशन पता लगी, माइल्ड टू मॉडरेट एंड ओवर सीवियरिटी। सीवियरिटी में है तो रिसेसिटेशन करवा के आरएल की से नॉर्मल सलाइन देके उसको उस कंडीशन के अंदर नॉर्मल बोल सकते हैं इमीडिएट सर्जरी डिलीवरी कराना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बात करेंगे अपन गेस्टेशन, अगर बोल सकते हैं यहाँ पर गेस्टेशन यहाँ वाली बात कर सकते हैं कि यहाँ पर गेस्टेशन अगर मान लो मोर देन 37 वीक है, यहाँ पर लेस देन 37 वीक की बात करेंगे तो अपन बोल सकते हैं सीजरियन डिलीवरी, आपको एडुकेट ब्लड हो, सॉरी मैं आपको थोड़ा इसके अंदर गलत बता दिया था, लेस देन तो ये वाली कंडीशन है, मोर देन अगर 37 वीक कंडीशन है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट एपीएच हो रखा है तो आपको क्या करवाना है, आपको सीजरियन डिलीवरी करवानी है। अगर लेस देन 37 वीक हो तो आपको दो कंडीशन कर दी, एक तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करवाना है और एक्टिव मैनेजमेंट कराना है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के बारे में मैंने बता दिया आपको, एक्टिव मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, कि अगर मान लो 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या कराना है, डबल सेट पर एग्जामिनेशन करवाना है, एक सीजरियन डिलीवरी करवानी है। सीजरियन डिलीवरी करवानी है तो अगर मान लो सेट ये वाला करवाया आपने एग्जाम वेजन एग्जामिनेशन, तो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड करानी है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। अगर एंटीरियर में है तो आपको एमनियोटोमी करके एक्सीटोसिन करके आपको कराना है उस कंडीशन के, आपको मॉनिटर करना है जनरल कंडीशन है, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है तो आपको क्या करानी है, प्रोग्रेस लेबर है, अगर प्रोग्रेस लेबर है तो वेजाइन डिलीवरी करें, नॉन प्रोग्रेस लेबर है या पुअर लेबर है तो उसको अर्जेंटली सीजरियन सेक्शन कराना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का एक डायग्राम था, मैंने आपको बताया था आपको मैनेजमेंट के, बहुत थोड़ा बड़ा मैनेजमेंट है इसका, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, तो उसको आप एक बार पढ़िए अच्छे से, एक बार पढ़ोगे तो उसके बाद समझ में आएगा आपको, उसको अच्छे से सीरियस होकर इसको पढ़िए समझिए, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लेकर मुझसे पूछिए, कोई जो कोई भी डाउट हो उसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका जो प्लेसेंटा प्रीविया है मेरी साइड से बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, प्लेसेंटा प्रीविया फिनिश हो गया है। नेक्स्ट अपन जब कल से स्टार्ट करेंगे वो अब्रिप्शो प्लेसेंटा स्टार्ट करेंगे,
आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।